कोसीकला, कोसीकला यहीं के रहने वाले हो? नहीं के रहने वाले। आपका नाम क्या है? नूर मोहम्मद। तो आप कोसीकला के रहने वाली हो? अच्छा दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी है यूपी के अंदर कोसीकला से। मैं आपके लिए ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूँ। मेरा नाम शंकर है जी। जो ये सिलसिला चल रहा है शादियों का, चलता ही जाएगा, ये चलते ही रहेगा, बंद नहीं होगा? नहीं होगा। नाम क्या जी? नारायण सिंह। नारायण सिंह। दोस्तों इस वक्त मेरी मौजूदगी है कोसीकला के अंदर। आपने पिछली वीडियो देखी, हरियाणा और राजस्थान से बराबर हम आपके लिए वीडियो अपलोड कर रहे थे सर। तो इसी को लेकर आज हम पहुंचे हैं यूपी कोसीकला के अंदर। यहाँ कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, बच्ची की भी शादी हुई है, यहाँ पर भी सामान पहुंचा है। हमें पता चला है कि यहाँ से भी फोन गया हमारे पास कि हमारी बच्ची की शादी हुई है, हमने भी लाभ लिया है, सैकुल ने हमारी बच्ची की शादी कराई है। तो आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से। नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद, तो आपने शादी करवाई है बच्ची की? हाँ, करवाई है। कराई है? कराई है। कहाँ से कराई थी आपने? देरसे से। अच्छा, कितने पैसे मिले आपने? 1,60,000। 1,60,000। तो क्या क्या सामान मिला आपको? पूरा सामान मिला। आप इधर बताइए सबके लिए। गाड़ी आई है, मोटरसाइकिल है, फ्रिज है, कूलर है, अलमारी है, वॉशिंग मशीन है। तो आपके साथ कोई फ्रॉड किया? कोई फ्रॉड नहीं हुआ। अच्छा, पूरा लाभ मिला आपको? पूरा लाभ मिला और 75,000 रुपए वापसी मिले। फिलहाल आप कहाँ पर खड़े हो? आप इस जगह? कोसीकला। कोसीकला, यहीं के रहने वाले? यहीं के रहने वाले। आपका नाम क्या है? नूर मोहम्मद जी। भाई, आपके यहाँ मोहल्ले में शादी हुई है? हमारे मोहल्ले में लड़की शादी हुई थी। अच्छा, वहाँ से जो सामान आया वो पूरा सामान मिला है। अच्छा, पैसे वापस मिले हैं वहाँ से? अच्छा, पैसे भी दिए उन लोगों ने? हाँ जी। कितने पैसे दिए? 70,000 रुपए वापस। मतलब आपने 1,60,000 रुपए भरे? हाँ, उसमें 70,000 रुपए वापस मिले हैं। अच्छा, आपका नाम जान सकता हूँ? नाम शंकर है जी। आपका नाम शंकर है? मैं नूर मोहम्मद जी का पड़ोसी हूँ। अच्छा, और हम एक ही बस्ती में रहते हैं। अच्छा, कुछ ऐसा भी चल रहा है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये तो धर्म परिवर्तन करते हैं जब हिंदू समाज के बच्चों की शादी कराते हैं, ऐसा कुछ आपने सुना? ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, ना ऐसा होता है। अच्छा, हमारे जो बच्चे की शादी हुई है बड़े धूमधाम से हुई है, वो सारा सामान मिला है। अच्छा, इससे हम संतुष्ट हैं। अच्छा, कोई परेशानी? तो जो पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की है सेकुल के ऊपर, तो आप इससे वो गलत कार्रवाई कर रहे हैं? अच्छा, गलत कार्रवाई है, बाकी वजह से कोई ना कोई षड्यंत्र चल। तो ये शादियों का जो सिलसिला है ये चलता रहना चाहिए, बंद होना चाहिए? बिल्कुल चलता रहना चाहिए, मजा तो होती जाए। चलता रहना चाहिए, चलता रहना चाहिए। अच्छा, गरीब परिवार शादी कर रही है? हाँ, ये बंद नहीं होना चाहिए? बंद नहीं होना चाहिए। आप इससे सहमत हो? सहमत है। तो दोस्तों इस वक्त मेरी मौजूदगी है यूपी के अंदर कोसीकला से। मैं आपके लिए ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ पर लोगों का मानना है गरीब बच्चों की शादी कराता है, हर धर्म से बच्चियां वहां चलकर जाती है, उनकी शादियां कराता है। तो इनका कहना है कि ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। जी भाई जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शंकर है जी। अजी शंकर जी, आपके परिवार में कोई शादी हुई है? मेरे पड़ोस में शादी हुई है नूर मोहम्मद जी की नाती की। अच्छा, लड़की यानी बेटे की लड़की की। अच्छा, तो पूरा सामान मिला है? ऐसा नहीं है कुछ फ्रॉड मिला हो देखने को? नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है। सामान पूरा मिल गया? सामान मिला है और पैसे भी वापस आए, 70,000 रुपए उन्होंने अलग से दिए। तो आप इस काम को बंद करवाना चाहोगे या फिर? नहीं नहीं, ये काम गरीब बच्चों के लिए शादी के लिए बहुत अच्छा है और चलता रहना चाहिए, गरीबों की मदद होनी चाहिए। अच्छा अच्छा, क्या ये काम जारी रहना चाहिए या फिर? जारी रहना चाहिए, जारी रहना चाहिए। गरीबों का भला हो रहा है? गरीबों का भला होना। कितना भला हो रहा है गरीबों का? बढ़िया हो रहा है जी। अच्छा, फर्स्ट क्लास हो रहा है, जो शादी करवा रहा है दूसरा आदमी पैसा लगा रहा है। जी जी जी, और बढ़िया संसार था बढ़िया। अच्छा अच्छा जी, नूर मोहम्मद जी, आपकी बच्ची की शादी हुई है, हुई थी। आपने पैसे जमा किए? हाँ, पैसे जमा। कितने जमा किए? 1,60,000। आपको पूरा सामान मिल गया? पूरा सामान। बाइक मिली आपको? मिली। फ्रॉड तो नहीं हुआ आपके साथ? कुछ भी ना हुआ। तो लोग तो कह रहे हैं वो फ्रॉड कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी गलत बात है। गलत बात है। तो जो ये सिलसिला चल रहा है शादियों का, चलता ही जाएगा, ये चलते ही रहेगा, बंद नहीं होगा? नहीं होगा जी। आपका नाम क्या जी? नारायण सिंह। नारायण सिंह, आप नूर मोहम्मद के पड़ोसी हो? पड़ोसी। तो इसकी बच्ची की वाकई में शादी हुई है? अच्छा, तो इसको सामान मिल गया? नहीं मिला। पूरा सामान मिला है। नहीं, किसी का दबाव तो नहीं है आपके ऊपर? कोई दबाव? कभी दबाव में कह रहे हो आपको फ्रॉड हो गया हो आपके साथ? कोई भी कैसा दबाव नहीं, कोई अच्छा फ्रॉड नहीं। अच्छा, कैसा भी फ्रॉड नहीं, सामने सामने शादी हुई हमारे। अच्छा, सभी। तो दोस्तों इस वक्त ये तस्वीर कोसीकला से आपको दिखा रहा हूँ। इन लोगों का दर्द है कि जो गरीब परिवार का भला हो रहा है वो होना चाहिए, ये काम जारी रहना चाहिए। अम्मा जी, आपने शादी कराई है पैसे भर के? कहाँ पे पैसे भरे? नीमला। नीमला, अच्छा नीमला। तो आप कोसीकला की रहने वाली हो? अच्छा, आप गरीब परिवार से हो? तो लोग कह रहे हैं कि वो पैसा जमा करता है, सामान नहीं देता है। अच्छा, हमारा तो सामान मिला। आपको पूरा सामान मिला? बाइक मिली आपको? बाइक मिली है। अच्छा, चक्की भी मिली है। 70,000 रुपए? अच्छा, चून पीसने वाली चक्की मिल गई? चक्की मिल गई। तो आपने बिल्कुल खुशी खुशी शादी की है बच्ची की? तो अब लोग कह रहे हैं कि वो फ्रॉड करता है,
नहीं वो सामान नहीं देता है, सामान दे में क्यों ना दे में, दे में? सामान हमारे तोताने में भी आया है, अच्छा पेठे में भी आया, अच्छा लड़की के, बड़ी लड़की के यूपी में भी शादी करा रहा है वो, अच्छा तो कुछ ऐसा देखने को नहीं है कोई फ्रॉड कर रहा है, वो सामान आया फ्रॉड नहीं है जी, आप बताओगी कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा उसमें, कोई ना कर भैया, अच्छा तो आपका नाम क्या है, अच्छा आप इनके पड़ोसी हो, पड़ोसी। तो दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कोसी कला से ये तस्वीर मैं आपके लिए दिखा रहा हूँ, यहाँ बुजुर्ग महिलाएं मौजूद हैं, दोनों समाज से मौजूद हैं, हमारे हिंदू समाज से भी है, हमारे मोमडम समाज से भी है, और यहाँ के लोगों का कहना है कि हमारे साथ कोई फ्रॉड नहीं हुआ है, जनाब नूर मोहम्मद खड़े हुए हैं, इसकी बच्ची की शादी हुई है, इन लोगों ने वहाँ पैसा जमा किया, और ये कह रहे हैं कि हमारे लिए बाइक भी मिली है, पूरा सामान मिला है, ये आप साइड में भी देख सकते हो, यहाँ रेल निकलती है, रेलगाड़ी यहाँ से, और बिल्कुल गरीब परिवार है, पूरी बस्ती जो है गरीब की है, तमाम ग्रामीणों का कहना है कि वो फरोड नहीं करता है, ये काम जारी रहना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।